दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोनी संपत और छुट्टी का दिन। ये कॉमेडी कॉमिक्स है तो पढ़ते हैं इसको। छुट्टी का दिन। संपत आज इतवार है, अपनी कार पर बड़ी मिट्टी पड़ी है, इसे धो दो। ऐसे काम छुट्टी वाले दिन ही हो सकते हैं, फिर तुम्हें हफ्ता भर फुर्सत नहीं मिलेगी। दोस्त आओ ताश की एक बाजी हो जाए। चौकीलाल, मेरा ताश खेलना मेरी बीवी को पसंद नहीं, फिर अगर मैंने कार को नहीं धोया तो वह बहुत गुस्सा होगी। ताश तुम मेरे घर में खेलोगे, उसे क्या पता चलेगा, मगर अगर उसने तुम्हारे घर में घुसकर मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो क्या होगा। चैंपियन तुम यहाँ बैठो, अगर मिसेज सोनी इधर आए तो अंदर आकर हमें होशियार कर देना, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। आओ हम 100% सुरक्षित हैं, चलो पत्ता फेंको। संपत कहां चला गया? अच्छा तो तुम यहां बैठे ताश खेल रहे हो, चलो कार धोना भी बाकी है। कमबख्त चैंपियन कहां चला गया? सॉरी अंकल, मेरी पारी आ गई थी। इंटीरियर डेकोरेशन। हमारी दीवार का प्लास्टर जगह जैसे उखड़ गया है, मरम्मत और पेंटिंग के लिए मैंने ठेकेदार को बुलाया है। जनाब, सीमेंट रुपए 300, रेत रुपए 50, रंग रोगन के 500 और लेबर चार्जेज के रुपए 1000, कुल खर्च 1850 रुपए आएगा। हमें काम नहीं कराना, तुम जा सकते हो। सोनी, तुमने ठेकेदार को क्यों बेच दिया? दीवार के दाग बदले लगते हैं, मैं तुम्हारा खर्चा बचाना चाहती हूँ। कैसे? देखो वह सामने प्लास्टर उखड़ा है, वहां अगर हम यह तस्वीर टांग दे तो वह छेद इसके पीछे ढक जाएगा। जितने छेद हैं हम उतनी तस्वीरें लगा देते हैं, इस तरह से सिर्फ हमारा कमरा डेकोरेट हो जाएगा बल्कि मरम्मत के पैसे भी बचेंगे। वाह, मैं तस्वीरें ले आया हूं, तुम कील ठोको। मैं कील नहीं ठोक सकती। क्यों? मेरी नेल पॉलिश उतर जाएगी। ठीक है, मैं ठोकता हूँ। ठक ठक, लो पकड़ो तस्वीर, वह सुंदर लग रही है। ठक ठक, अब कौन जानेगा कि इन इन तस्वीरों के पीछे गड्ढे हैं। संपत, जरा मेरे घर आना। तुमने जो कीले ठोकी हैं, वे दीवार के आर पार होकर मेरे बेडरूम में आ गई हैं। मुझे अफसोस है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इन किलो पर मैं अपने कैलेंडर और पोर्ट्रेट लगा लूं? स्वेटर। संपत, तुमने बेड की चादर क्यों ओढ़ ली? मुझे ठंड ठंड लग रही है। इसका मतलब है कि तुम्हें एक स्वेटर चाहिए, वह बाजार में महंगा है। अगर तुम मुझे ऊन खरीद कर ला दो तो मैं तुम्हारा स्वेटर बुनकर दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है, वह सस्ता रहेगा। सोनी, में बाजार जाता हूँ, खूबसूरत रंग चुनना चाहिए। मुझे एक स्वेटर के लिए ऊन खरीदनी है, अभी लीजिए, यह ले जाकर मैं पत्नी को देता हूँ। मैं ऊन ले आया, मेरा बंद गले का स्वेटर बना दो। वाह क्या चटक रंग है। मैं बुनाई करती हूँ, तब तक तुम टीवी देखो। सोनी, क्या मेरा स्वेटर तैयार है? अभी नहीं। अब समाचार विस्तार से सुनिए। मैंने सीरियल, चित्रहार, समाचार, टॉक शो वगैरह सब कुछ देख लिया, मुझे स्वेटर कब मिलेगा? लो यह तैयार हो गया, इसे पहनकर देखो। तुमने इसका गला तो खोला ही नहीं, तुम्हें कहा था कि बंद गले का स्वेटर चाहिए। संपत का दांत। ओह क्या हुआ संपत? सोनी, मेरे दांत में दर्द है, नमक डालकर गर्म पानी के गरारे करो। मैं वह नहीं कर सकता, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर और क्या करोगे? खुद कुछ दूसरा सोचना होगा, जाकर डेंटिस्ट को दिखाओ। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं जाता हूँ। संपत क्या हो गया? चौकीलाल, मेरे दांत में दर्द है, मेरे ख्याल से तुम्हारी दांत को कीड़ा लग गया है, कई कीड़े मेरे सारे दांतों का न खा जाए। क्या हुआ प्रीति? दांत में दर्द है, मुझे तो तुम्हारे दांत में छेद लगता है। बाप रे, यह तो और भी बुरा है।
मैनू लगता तेनू सारा जबड़ा बदलना पेगा। खाने में क्या खाया था? दाल। दाल का कंकर तुम्हारे दांत में फंस गया था जिसकी वजह से दर्द था, उसे मैंने निकाल दिया है। थैंक यू। वह खुशी में मेरी फीस देना भी भूल गया। दिवाली मुबारक। इली, क्या यह कैंडल खूबसूरत लग रही है? हाँ मम्मी, मैं मिठाई और पटाखे ले आया हूँ, दुकानों पर बड़ी भीड़ थी। लाओ मैं मिठाई प्लेट में डालकर सजा दूँ। हम आतिशबाजी कब चलाएंगे? कुछ देर बाद। मिठाई मेज पर क्यों रख रही हो? ताकि जो मेहमान दिवाली मुबारक कहने आए उन्हें यह खिलाई जा सके। सोनी रात होगी, मोमबत्तियां जलाई जाए, बालकोनी से शुरू करते हैं। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? नहीं, दिवाली के दिन अगर लक्ष्मी आई तो वह हमारा घर बंद देकर वापस चली जाएगी। आओ ऊपर चले बड़ाऊ। पागो, क्या मिठाई खाओगी? कहां से खिलाओगे? जुए में तुम सारे पैसे हाराए हो। देखो मेज पर मिठाई पड़ी है और अंदर कोई नहीं। वाह बर्फी, मुफ्त की मिठाई ज्यादा स्वादिष्ट होती है। ये आतिशबाजी लेकर रफू चक्कर होते हैं। और जलती हुई मोमबत्ती गिर गई। कड़म बड़म पड़ा। ऊंचा कद। सोनी, चोर की भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? जरा सब्र से काम लो संपत। वाह खाने की खुशबू अच्छी आ रही है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सारी डिशेज मेरी पसंद की हैं। आओ क्या हुआ? पहले तुम्हारी बनाई दाल में से कंकड़ निकलते थे, आज यह शीशा निकला है। लापरवाही की हद है। यह तो कॉन्टेक्ट लेंस है जो मेरी आंख से गिर गया था और मिल नहीं रहा था। संपत, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। क्या? यह लूंगी और जूते। पहनो, जूतों का सोल 4 इंच ऊंचा है, इनसे तुम लंबे लगोगे। पहले लूंगी पहनी जाए फिर जूते। वाह लंबे लगते हो। लूंगी ने जूते छुपा लिए हैं, कोई नहीं पहचान सकता कि तुमने ऊंची एडी के जूते पहने हैं। जरा चल कर देखो, फिसलना। आओ इन जूतों से मैं संतुलन खो बैठता हूं, नहीं चाहिए यह मुझे। हरी सब्जी। सोनी क्या बात है, आज तुमने न चाय पी न नाश्ता किया? संपत मेरा पेट खराब है, खट्टे डकार आ रहे हैं, तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिजूल में दवाई के पर खर्चा होगा, अगर दवाई नहीं खाओगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। बैठे बिठाए खर्चा आ पड़ा। डॉक्टर मुझे बदहजमी हो गई है, वह ठीक हो जाएगी, मैं दवाई लिख देती हूँ, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? दवाई खाओ या हरी सब्जियां खाओ, दोनों तरीकों से बदहजमी ठीक हो जाएगी। थैंक्स। केमिस्ट, यह दवाई कितने की आएगी? 95 रुपए की। बड़ी महंगी है, प्रिस्क्रिप्शन वापस दे दो, मुझे दवाई नहीं लेनी। डॉक्टर ने कहा था कि हरी सब्जियां खाने से भी बदहजमी ठीक हो जाती है। लंच के लिए पालक, भिंडी, लौकी, मेथी, पत्ता गोभी और करेले कितने के आएंगे? 135 रुपए के। रहने दो, मुझे सब्जी नहीं लेनी, वह दवाई दे दो। कटलेट्स, 250 ग्राम आलूओं को उबालकर उन्हें मैश कर लीजिए, अंदर भरने के लिए सामग्री लिखिए। सोनी मैं दत्ता से आ गया, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। संपत थोड़ी देर रुको, टीवी पर वेजिटेबल कटलेट्स बनाने की विधि बताई जा रही है, आज मैं तुम्हें वही बनाकर खिलाऊंगी, मुझे अब जाकर किचन में यही बनाना चाहिए। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, बस 1 मिनट सबर करो, कटलेट्स सिक गए हैं। लो इन्हें खाते तुम चटकारे मारोगे। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, ई मिर्चों से जुबान जल गई। मिसेज चोखेलाल, तुम थोड़ी देर पहले टीवी पर कटलेट्स बनाने का तरीका बताया गया था,
मैंने सोची वे बनाकर कुछ संपत्ति के लिए ले जाऊं। मिसेस चौकेलाल के कटलेट खाकर देखो, वह यह दूसरे वाले बहुत स्वादिष्ट हैं। तुमने 250 ग्राम आलू में लाल मिर्च कितनी डाली थी? 1 चम्मच। पट्टी पर कुक ने लाल मिर्च के चम्मच 2 बार डाले थे, दूसरी बार का रिप्ले था। रेनकोट। सोनी, मैं दफ्तर जा रहा हूं, वो बारिश शुरू होगी, अब क्या होगा? संपत रुको, मैं तुम्हें बरसाती देती हूँ जो तुम्हारे कपड़ों को पानी में भीगने से बचाएगी। है, इसका तो बाजू अलग हो गया है, सिलाई उधड़ गई होगी, रखो इसे, यह मुझे नहीं चाहिए। तुमने कहावत सुनी होगी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बारिश रुक गई है, सबसे पहले बाजार से नई बरसाती खरीदना जो मानसून में काम आए। सोनी ठीक कहती है, बरसात अचानक कभी भी आ सकती है। यह रेनकोट तुमने पिछले साल खरीदा था, तब से मैंने इसे अलमारी में रखा है, मगर इसमें तो जगह जगह छेद हो गए हैं, इसे टिड्डियों ने काट लिया होगा। फिक्र न करो, हमारे पास एक और रेनकोट है, बरसात से बचने के लिए तुम इसे पहन सकते हो। वह मुझे वहां से खरीदनी चाहिए। एक रेनकोट दिखाइए, लीजिए रियायती दामों पर, ये आपको सिर्फ 200 रुपए में मिलेगा। यह रेनकोट कितने अरसे तक नहीं फटेगा? अगर पानी से बचाकर रखोगे तो 100 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्नी दिवस। सोनिया, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, मेरे पति आज मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे। क्या आज तुम्हारी शादी की वर्षगांठ है? नहीं, उनसे पार्टी लेना मुझे आता है। संपत, जानते हो आज कौन सा दिन है? कौन सा? पत्नी दिवस। तुम मुझे खाना खिलाने होटल में ले जाओगे? यह पहले कभी नहीं सुना। जैसे बाल दिवस, अध्यापक दिवस, सेना दिवस इत्यादि होते हैं, वैसे ही पत्नी दिवस भी होता है। तब फिर पति दिवस भी होना चाहिए, क्यों नहीं? तब मैं तुम्हें होटल में डिनर कर खिलाऊंगी। तुम्हारे पास होटल का बिल चुकाने के लिए पैसे पैसे कहां से आएंगे? क्यों, क्या तुम्हें ऑफिस से तनख्वाह नहीं मिलती? अब होटल कैसे जाएंगे? कार की चाबी अंदर लटक रही है और दरवाजा बाहर से लॉक है। तुम अपने पर्स में डुप्लीकेट चाबी देखो, इसमें तो नहीं है। मैं ईंट मारकर खिड़की का शीशा तोड़ देती हूँ, फिर दरवाजा खुल जाएगा। ओह, चूक गई, तड़ाक। मैं अपने हेयर पिन से दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ, दरवाजा खुल गया। सोनी, अगर तुम ईंट से पहले हेयर पिन ट्राई करती तो मेरे सिर पर अंडा न बनता। धमाका। सोनी, मैं मिठाई और पटाखे ले लाया हूं। मम्मी, मुझे मिठाई खाने को दो। इली, इस साल मिठाई महंगी है, यह खाने के लिए नहीं, टेबल पर सजाने के लिए है। सोनी, मैंने सबसे बड़ा बम पटाखा खरीदा है, इसके धमाके से कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं आग लगाता हूं। संपत, अंदर आकर कैंडल लगा दो। चलो, मैं कैंडल लगा देता हूं, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। संपत अपना बम पटाखा बाहर छोड़ गया, इसे लेकर चंपत हो जाता हूं। क्रम। दिवाली मुबारक। महिला समिति। सोनी, नाश्ता ला, जवाब बनाए। मैं कुशल हाउसवाइफ हूं, लेकिन दूसरी महिलाएं अन्य क्षेत्रों में भी नाम कमा रही हैं। ट्रेन। कौन आ गया? हम महिला समिति से आई है, हम तुम्हें अपनी समिति का की मेंबर बनाना चाहती हैं। आपकी समिति की मेंबर बनने से मुझे क्या फायदा होगा? हमारी समिति समाज सुधार के कार्य करती है, इससे तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। ठीक है संपत, अब तुम देखना, मैं गृहस्थी के साथ साथ समाज सेवा में भी नाम कमाऊंगी। अगर उसे पता चल जाता कि हमारी समिति में महिलाएं एक दूसरे के बाल नोच लेती हैं, तो वह कहीं कहीं वह अपना विचार न बदल लेती। फायदा। संपत, मैं बच्चों के साथ अपनी माँ के यहाँ रहने जाऊंगी। नहीं। क्यों, तुम मुझे कभी भी मायके रहने नहीं जाने देते, मैं तुम्हारे और बच्चों के बगैर उदास हो जाता हूँ, यह सब बहानेबाजी है।
तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं बाजार से तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ लाता हूँ। संपत, कहाँ जा रहे हो? चौपड़ जी, मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। और तुम? बीवी बच्चों को लेकर मायके गई है, उन्हें स्टेशन छोड़कर आ रहा हूँ। क्या तुम अकेले उदास नहीं होते? थोड़ी सी उदासी से अगर फायदा हो जाए तो क्या बुरा है? कैसा फायदा? कई दिनों तक उनके राशन का खर्चा बचेगा। दिवाली मुबारक। सोनी, मैं मिठाई ले आया। इतनी महंगाई में इसे कैसे अफोर्ड किया? यह प्लास्टिक की आर्टिफिशियल मिठाई है जो न खाई जाएगी न खत्म होगी और हमेशा डाइनिंग टेबल की सजावट बढ़ाएगी। वाह, लेकिन जब जब असली मिठाई खाने का मन करेगा तब? हम पड़ोसी चौके लाल को दिवाली की शुभकामनाएं देने जाएंगे, बदले में वह मिठाई खिलाएगा। तुम जीनियस हो, अब मिठाई खाने चले। चौके लाल, दिवाली मुबारक। ओह राकेट क्रम। दोस्त, अब मैं तुम्हें कैसे कहूँ दिवाली मुबारक? दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। फनी कॉमिक्स थी, मजा आया। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।